दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल का गठन करने जा रहे हैं। मंत्रिमंडल छोटा हो या बड़ा, सवाल यह है कि क्या कोई विंध्य का विधायक भी मंत्री बनेगा? शायद नहीं। शायद क्यों? कंफर्म नहीं बनेगा। कारण, विंध्य में कोई दमदार नेता नहीं है। घूम फिरकर सीएम शिवराज रीवा के राजेंद्र शुक्ला को ही मंत्री बना सकते हैं, वह भी काफी जोर आजमाइश के बाद। जोर आजमाइश शब्द क्यों कह रहा हूं, उसका रीजन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। सीएम शिवराज का सिरदर्द तो अब शुरू हुआ है। शायद विपक्षी दल कांग्रेस के नेता यही तो चाहते थे। कांग्रेसियों ने ताने मारे और शिवराज चले मंत्रिमंडल बनाने। शिवराज चाहते हैं छोटा और सिंधिया चाहते हैं बड़ा मंत्रिमंडल। सिंधिया समर्थक चाहे जितने ज्यादा मंत्री बना लिए जाएं, सिंधिया संतुष्ट नहीं होंगे। यह सबसे बड़ा शिवराज के लिए सिरदर्द का कारण बनेगा। मंत्री बनने के बाद असली झगड़ा शुरू होगा विभागों के बंटवारों को लेकर। मीडिया में जो नाम सामने आ रहे हैं, उसके आधार पर गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह तो मंत्री बनेंगे ही। सिंधिया समर्थकों में तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रभुराम चौधरी, इमरती देवी, प्रद्युम्न सिंह तोमर के नाम लिए जा रहे हैं। वैसे कुल 34 मंत्री बनेंगे। क्षेत्रीय व जातीय संतुलन भी बनाने के प्रयास किए जाएंगे, मगर यह मुझे संभव प्रतीत बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। सिंधिया के कारण चंबल और ग्वालियर संभाग से मंत्रियों की संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि बीजेपी के भी बहुत सारे नेता चंबल और ग्वालियर संभाग से आते हैं। वह भी अपने समर्थकों को मंत्री पद दिलवाना चाहेंगे और सिंधिया भी ज्यादा से ज्यादा अपने समर्थकों को मंत्री बनवाएंगे, तो चंबल और ग्वालियर संभाग का पलड़ा भारी दिखेगा। जाहिर है पुराने भाजपाई चेहरे कम किए जाएंगे, क्योंकि सिंधिया खेमे के लोगों को अगर जगह देना है तो पुराने चेहरे जो शिवराज के साथ मंत्रिमंडल में थे उनको कम किया जाएगा, उसके बिना भरपाई होगी नहीं। एक उदाहरण से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं और समझा भी जा सकता है। बसपा से निलंबित पथरिया विधायक रामबाई का एक वीडियो वायरल हुआ है। हमारे इधर से लेकर दिल्ली तक के नेताओं के बीच में बात भाई मंत्री बना लो। इसमें हमारे धर्मेंद्र प्रधान केंद्र मंत्री, उनके सामने बात हुई। पंचायत मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनके सामने बात हुई। भूपेंद्र सिंह उपगृह मंत्री, उनके उनने वचन दिया हुई बात को। नरोत्तम मिश्रा जी, उनने वचन दिया हुई बात को। मतलब जब भी मतलब उनके संपर्क में हम रहे, उनने जी बात रखी। फिर स्वयं शिवराज सिंह चौहान जी से भी मेरी बात हुई तो उनने भी बोला। अब देखो विश्वास तो है कि भाई सामने जब पीछे कांग्रेस की सरकार थी उनसे हमारी कभी बात नहीं, तो हमने कभी सोची नहीं कि ये बनेंगे इतने। पर इतने लोगों ने अगर हमसे बोली है और इतने लोगों के बीच में हमने बात रखी है तो बना। वह वीडियो में कह रही हैं कि वह मंत्री बहुत आवश्यक रूप से बनेंगी, मंत्री अवश्य बनेंगी, क्योंकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, धर्मेंद्र प्रधान, सीएम शिवराज, नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह सभी ने कहा था बागी बनो मंत्री बनाएंगे। अब रामबाई को राजनीति कौन समझाए? रामबाई ने कभी जुमलों का नाम सुना है या नहीं सुना है? यह परिस्थितियों के आधार पर कहा और बनाया जाता है, यह बात भी रामबाई को समझनी होगी। नहीं समझेंगी तो वक्त उन्हें समझा देगा। जरूरत के समय तो रामबाई को डिप्टी सीएम बनाने के लिए भी कहा जा सकता था। अब यह राम राज्य तो है नहीं, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसा कुछ तो है नहीं। यहां तो वचन चला जाए, प्राण बचे रहे, सीट बची रहे, कुर्सी बची रहे, सारा झगड़ा कुर्सी का। शिवराज का सबसे बड़ा सिरदर्द सागर बनने जा रहा है। सागर से गोपाल भार्गव को भगा नहीं सकते, भूपेंद्र सिंह भागेंगे नहीं, गृहमंत्री रहे शिवराज सिंह के साथ। गोविंद सिंह राजपूत का नाम भी सामने आया है। अब एक जिले से तीन नाम, तीन लोग।
बना लो आप क्षेत्रीय संतुलन, आप कैसे क्षेत्रीय संतुलन बनाएंगे? इसी प्रकार रायसेन से प्रभुराम चौधरी और रामपाल सिंह मंत्री बनने के लिए भाग मिल्खा भाग की दौड़ में लगे हुए हैं। चलिए विंध्य की बात करते हैं। विंध्य की बात करें तो क्या विंध्य मंत्री विहीन रहेगा? अभी के हालातों को देखते हुए ऐसा ही लगता है कि विंध्य से शायद ही किसी को मंत्री बनाया जाए। वैसे विंध्य से मंत्रिमंडल में किसको लिया जाना चाहिए और क्यों? कौन कर सकता है पूरे विंध्य का विकास? देखें अगले वीडियो में। दोस्तों कुछ जरूरी खबरें। कोरोना से अब तक दुनिया भर में 23,33,941 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 1,54,789 लोगों की मौत हो चुकी है। अगली खबर है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जानकारी दी है, पिछले 24 घंटों में 1,334 मामले कोरोना के दर्ज किए गए और 27 लोगों की मौत हुई है। टोटल अभी तक 507 मौतें और 15,712 मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में 9 दिन की बच्ची कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। आज रविवार को भोपाल में 12 नए केस दर्ज हुए। कुल मरीजों की संख्या भोपाल में 204 हो गई और मौत का आंकड़ा 6 पहुंच गया है। एक और अच्छी खबर है, गृह मंत्रालय द्वारा 20 अप्रैल से कुछ व्यापारिक गतिविधियों को शुरू करने के आदेश दिए गए थे, जिसमें आज स्पष्ट किया गया कि ई कॉमर्स कंपनियां गैर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री नहीं कर सकेंगी। कई व्यापारिक संगठनों के विरोध के बाद आखिर सरकार को झुकना पड़ा और यह आदेश जारी करना।